गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह सुबह सो के उठा हूँ और अभी खीर बन रहा है। तो खीर बनने का रीज़न ये है कि आज अपना भाषा में हम लोग मुझे बोलते हैं, यानी काला मुनी वाला खिलाने वाला है मुनी को, छोटे मुनी को विद्या करके वही रेसिपी बन रहा है। और वो चावल है, चावल को आधा घंटा फूलने के लिए छोड़ दिए हैं, फूल रहा है। हम लोग सब चीज़ सारा चीज़ उल्टा बना रहे हैं, तो दूध ज़्यादा नहीं है इसीलिए। तो ये है आधा केजी दूध और गड्डी छुहारा और इसमें है चीनी, तो ये डाल रहे हैं। अरवा चावल डालने के बाद इसको चलाते रहना है, बाबू भी रहे पकना। अब इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं दूसरा टाइम, पूरा चीनी को डाल देंगे। चीनी ऐड कर दिए हैं तो इसको मिला लेते हैं। देखिए अब इसमें जो दूध लाए थे आधा केजी, इसको हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं चीनी को देने के बाद। देखिए घुलने के बाद कैसा बन गया, एकदम डेंजर सा, यानी रास्ते के माल सस्ते में। देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स आ गए हैं, तो हमारा जो खीर है वो लगभग रेडी हो गया है। अभी पतल को धो दिए हैं तो इसमें बांटने जा रहे हैं खीर को, पूरा खीर बांट दिया हूँ तो ये पूरा गांव में जाएगा बांटने के लिए। तो अभी मेरी बेटी फ्रेश हो गई है, तो रेडी है ये खाना खाने के लिए, पहला निवाला खाने के लिए। नहीं बेटा दादू इसको खिला दे रहे हैं, खा 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 आ आ आ आ आ बाबू बाबू खा रहा है। और अभी बाकी है दो बार, और दो बार आ आ आ, और एक बार आ आ। तो गाइस अभी एक बुक मिल गया है, तो अभी दोपहर के ढाई बज रहे हैं, ढाई बोलते हैं लगभग करेगा। तो बालू मास की मिल गया चौक, गैस लोकेशन में पहुंचे हुए थे, बरनी बोलते हैं, तो गांव इधर ही है, इधर गए थे, लेकिन रोड है ना तो पूरा एकदम देख रहे हैं ना फंसने जैसा होने लगा था, ऐसा चिकनी मिट्टी था, इसी वजह से नहीं गया। बोलते कि जाओ लेके आओ। अभी जस्ट मैं बाबू माँ तरफ से घर पहुंचा हूं, तो अभी जस्ट नहीं मेरा आए हुए दो घंटा हो गया, तो मैं इसको धो रहा था, तो धो के मक्खन जैसा, वो खाने वाला मक्खन नहीं वैसे ही बना दिया हूँ। तो फिलहाल मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे भी एंड कर रहा हूँ, और इन लोग का सर्दी भी हो रहा हूँ, तो बाय बाय।